नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार तैयारी विपिन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 23 सितंबर 2020 और मैं आ गया हूं आप सभी के लिए 23 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, SSC गोल सेलेक्ट करिए, लॉग इन करिए और सर्च बॉक्स में आप मेरा नाम टाइप करेंगे विपिन शुक्ला तो मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, मुझे फॉलो करिए। दोस्त, रेगुलर शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है चैप्टर वाइज। इस चैप्टर वाइज क्लास को आराम से आप लोग डेली रेगुलर इसको अटेंड करिए, जिससे कि आपके मैथ में जो कमांड है वो भी बेहतर हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। इसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो इंग्लिश वाले जितने भी लोग हैं, तटीय स्वच्छता दिवस, तटीय को इंग्लिश में कहा जाता है कोस्टल क्लीनअप डे। मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, इसको कहा जाता है कोस्टल क्लीनअप डे। तो दोस्तों, अगर हम कोस्टल क्लीनअप डे की बात करें तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो कि इसकी कोई भी पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं है। इसको हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल ये सितंबर के 3rd सैटरडे को होता है। कब होता है? हर साल ये सितंबर के 3rd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम 2020 की बात करें मेरे दोस्त, तो 2020 में सितंबर का जो 3rd सैटरडे था उस दिन तारीख थी 19। तो अगर हम इस बार की बात करें 2020 की, तो 2020 में ये 19 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 3rd सैटरडे इन सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ से कि अ प्रॉमिस्ड लैंड निम्नलिखित किस नेता के राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण का पहला संस्करण है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, यूएस के प्रेसिडेंट हैं और पूर्व प्रेसिडेंट, करेंट के नहीं, यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट कौन है, आप सब उनके नाम से भली बात परिचय हो, वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा साहब ने अपनी पहली प्रेसिडेंशियल मेमोर को टाइटल दिया है, और टाइटल क्या दिया है, अ प्रॉमिस्ड लैंड, यानी कि आप ये कह सकते हो राष्ट्रपति कार्यकाल जब इनका चल रहा था तो उस समय के इनके जो भी काम थे उन कामों को लेकर उनकी जो भी यादें थी, जैसे आप कह सकते हो ना कि आपने कोई काम किया है और आपकी जो भी यादें हो आप उसको क्या करो, एक टाइटल का नाम देके एक बुक टाइप की छाप दो। तो वही इन्होंने किया कि इन्होंने अपने कार्यकाल का संस्मरण किया और संस्मरण करने के बाद उसका जो नाम रखा वो रखा है अ प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है, भारत के कितने समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुना गया है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8, यानी कि टोटल 8 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको चुना गया है इको लेवल और ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए। इको लेवल का मतलब कि पर्यावरण की दृष्टि ये सारे ही क्या है, बिल्कुल स्वच्छ हैं, और ब्लू फ्लैग का मतलब है कि यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का वायरस नहीं फैल सकता है, मतलब पूरा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। तो टोटल ऐसे कितने समुद्र तट हैं, टोटल ऐसे आपके 8 समुद्र तट हैं और इनको ब्लू फ्लैग और इको लेबल दोनों से क्या किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा। आगे चलें, चौथे नंबर पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो कह रहा फिट सॉल्यूशंस के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी विकास का अनुमान क्या है। हर एक क्लास में एक ना एक रेटिंग एजेंसी ये जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग जीडीपी क्या है। तो दोस्तों, अगर हम फिच सॉल्यूशन की बात करें तो फिच सॉल्यूशन ने ये बताया है कि अप्रॉक्सीमेट माइनस का 8.6% जीडीपी रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में आपसे पूछा है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्त, भारतवां भारत जो है वो 116वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 116वें स्थान पे है। अच्छा, ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये सूचकांक जो है आपका मानव पूंजी सूचकांक, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अगर मैं आपसे पूछूं कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपका जवाब होगा वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC जो कि आपका USA में है। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो मानव पूंजी सूचकांक को इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगर कोई इंग्लिश वाला है तो इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो भाई ये जो सूची है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इस सूची के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 116वें स्थान पे है। टोटल कितनी कंट्री होती है? तो टोटल दोस्त 174 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। कितनी? 174 कंट्री, और 174 में भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी 116वीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे।
अगर हम छठवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि मानव पूंजी सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्त आपका जवाब होगा विश्व बैंक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पहले तो ये जान लो कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर को ये आपका मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी थीम भी पूछी जाएगी, तो आगे आपको थीम भी मिल जाएगी। कोई भी डे अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डे का जो भी विषय रहा होगा, जो भी उसकी थीम रही होगी, ये भी जरूर देख लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम में डे के साथ साथ थीम भी पूछी जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पूर्व पीएम HD देवगौड़ा किस राज्य के राज्यसभा के सांसद बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटका से। ये भारत के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं HD देवगौड़ा, और कहां से? कर्नाटक से। इन्होंने क्या किया है, राज्यसभा के ये मेंबर सिलेक्ट हुए हैं। कब हुए हैं? तो ये दोस्त 20 सितंबर 2020 को हुए हैं। कब हुए हैं? 20 सितंबर 2020 को ये इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस अभी मैंने आपको बताया था 21 सितंबर, और अगर थीम आपसे पूछ ली जाएगी तो दोस्तों अब की बार की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि एक साथ शांति को एक आकार देना। तो शेपिंग पीस टुगेदर ये 2020 का जो शांति दिवस सेलिब्रेट हुआ उसकी थीम थी, याद रखिएगा। 10वें नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों कह रहा विश्व अल्जाइमर दिवस का विषय क्या था। पहले तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अल्जाइमर दिवस मनाया कब जाता है, तो पहले तो यहाँ पे ये पूछा है कि विषय क्या है। तो थीम अगर कही जाएगी तो लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया, तो ये याद रखिएगा कि भाई इसकी थीम क्या थी, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा अल्जाइमर दिवस मनाया कब जाता है, तो इसका आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा आज का डेट का है वो यही है कि भैया अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन आपका शांति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों, 11 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 11 नंबर पॉइंट दोस्तों ये है कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर 2020 को कौन से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वैभव। किसका? वैभव का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, वैभव है क्या? तो वैभव के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैभव तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये BHAV। वैभव इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। वैभव की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वैभव कहता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिति। क्या कहता है? VAI, वैश्विक, BHA भारतीय, और V से वैज्ञानिक समिति। तो याद रखिएगा, मैं इसको अगर यहां पे लिख भी दूं तो वैश्विक ये हो जाएगा वैश्विक भारतीय भारतीय वैज्ञानिक वैज्ञानिक समिति। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो 2020 2 अक्टूबर जिस दिन आपकी गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है उस दिन इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे कौन? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्त, अगर हम 12वें नंबर पॉइंट की बात करें तो 12वां नंबर पॉइंट कह रहा है पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपसे पूछ रहा कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने कुपोषण और पोषण अभियान को नियंत्रित करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्त याद रखना, आयुष मंत्रालय। किसकी बात करेंगे? आयुष मंत्रालय की बात करेंगे। तो आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय को आप सब जानते हो, आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय दोनों के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस लिए? पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, 13 नंबर पॉइंट दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्त याद रखिएगा, सबसे पहले तो फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉ के नाम से जानते हैं, इनके चीफ हैं अनिल धस्माना। कौन? अनिल धस्माना, ये रॉ के चीफ हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है NTRO के नए प्रमुख के रूप में। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनिल धस्माना को रिसेंटली किस पद के लिए नियुक्त किया गया, तो आपको बताना होगा NTRO के नए प्रमुख के रूप में, या फिर NTRO के नए प्रमुख कौन है, तो आपको बताना होगा अनिल धस्माना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका अल्जाइमर दिवस था, बता चुका हूँ। 15वें नंबर पॉइंट की बात करेंगे तो कह रहा अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या था, तटीय स्वच्छता दिवस मनाया कब जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपसे बात ये पूछी जा रही है कि भैया इसका विषय क्या था, तो दोस्त याद रखना अचीविंग अ ट्रेस फ्री कॉस्ट लाइन,
15वां नंबर क्वेश्चन का पॉइंट नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का जो विषय था वो था अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टलाइन। तो इसी तरह दोस्त डेली जो भी 10-15 इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर्स के बनेंगे वो मैं प्रॉपर डिस्कस कराता रहूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ हर महीने के लास्ट में, जैसे ये महीना आपका कौन सा चल रहा है, सेप्टेम्बर चल रहा है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम सितंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर को एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अलविदा, फिर मुलाकात होगी आपसे करंट अफेयर के अगले पॉइंट्स के साथ। अगर आप में से कोई हमें अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करना चाहता है तो आप अनअकैडमी प्लस पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज करिएगा Vipin18। Vipin18 आप यूज करोगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।